दोस्तों, हम अक्सर ये बात सुनते हैं कि जिंदगी एक रेस और सब इस रेस में दौड़ रहे हैं। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, लेकिन कभी हमने इस फिक्रे को ध्यान से समझा है कि जिंदगी एक रेस है? जी, जिंदगी एक रेस है, लेकिन थोड़ा सा ये देख लें कि जब रेस होती है तो क्या होता है। जब रेस होती है तो हम ये नहीं देखते कि दूसरा कितना जोर लगा रहा है, हम ये देखते हैं कि मेरी क्षमता कितनी है, मैं अपनी क्षमता से दौड़ूं, ना कि ये देखूं कि दूसरे की क्षमता कितनी है। और उसके बाद जहां पे रेस हो रही है वहां हजारों लोग देख रहे हैं, बड़े टूर्नामेंट बड़े मैचेस में लाखों लोग भी देखते हैं, वो क्या कह रहे हैं, क्या क्लैपिंग कर रहे हैं, क्या हूटिंग कर रहे हैं, क्या उनके बारे में बोल रहे हैं, वो बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं देते और ना ही उनकी बात खड़े होकर सुनने लग जाते हैं। अगर वो इधर उधर ध्यान देंगे तो क्या करेंगे, वो रेस जीत पाएंगे? नहीं, वो गिर सकते हैं। उनका ध्यान सिर्फ दो चीजों के ऊपर होता है, मेरी क्षमता कितनी है और मेरी फिनिशिंग लाइन क्या है, वहां पहुंचना। तो क्या हम जीवन की रेस में ऐसा करते हैं? शायद नहीं। हम कहते हैं कि उसने इतना किया तो मैंने तो इतना किया है, उससे बेहतर किया है, लेकिन हम नहीं जानते कि मेरी क्षमता कितनी है, या जितनी मेरी क्षमता है मैं उतना जोर लगा रहा हूं कि नहीं लगा रहा हूं, और मेरी फिनिशिंग लाइन क्या है, और लोग क्या कह रहे हैं मैं सुनने लग जाता हूँ। लोग तो कह रहे हैं इस काम में आप कामयाब नहीं होंगे, आप बड़ा नहीं कर पाओगे, आप फजूल टाइम खराब कर रहे हो। तो मैं अपनी जिंदगी की रेस दौड़ता नहीं, बल्कि रेस ट्रैक पे खड़ा हुआ लोगों की बातें सुनता रहता हूँ, फेलियर से डरता रहता हूँ, फिनिशिंग लाइन मुझे पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है। तो इसलिए जिंदगी की रेस तो है, बट इस रेस को भी उसी रेस की तरह दौड़िए जैसे ट्रैक के ऊपर एक प्लेयर दौड़ता है, तभी आप जीत पाएंगे। थैंक यू। जी दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कोशिश पसंद आ रही है तो कमेंट्स में भी आप बताएं, मेरे चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।